फिल्म की शुरुआत में एडम अपने दो ग्रह वाली दुनिया की कहानी बताता है, जो उसकी दुनिया दोहरी ग्रेविटी के साथ जुड़ी हुई है। दोनों ग्रह एक दूसरे के बेहद करीब अपने केंद्र पर घूमते हैं, पर आपस में कभी उलझते नहीं। और इस दोनों ग्रह पर रहने वाले इंसानों के लिए तीन प्रकार के नियम बनाए गए हैं। पहला, जो सभी पदार्थ केवल उस संसार के ग्रेविटी द्वारा खींचे जाते हैं जहाँ से वे लोग आते हैं। दूसरा, किसी वस्तु के वजन को उल्टी दुनिया के पदार्थ का उपयोग करके बराबर किया जा सकता है। और तीसरा, अगर कोई इंसान दूसरे ग्रह पर किसी मेटल की मदद से उस ग्रह पर जाता है तो उसके संपर्क में आने वाला मेटल जलने लगता है। दोनों ग्रह पर रहने वाले इंसानों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। ऊपरी दुनिया के लोग ज्यादा विकसित और अमीर हैं, लेकिन निचली दुनिया के लोग गरीब हैं। और ऊपर के लोग नीचे वाले लोगों से सस्ता तेल खरीदता है और नीचे वाले लोगों से ऊंचे दामों में बिजली बेचता है। ऊपर वाले लोगों के साथ नीचे वाले लोगों का संपर्क करना सख्त मना होता है, और अगर वह ऐसा करते हैं तो इसके लिए उन्हें जेल या फिर उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला और उसकी हिफाजत करने वाला एक ट्रांसवर्ल्ड कंपनी है जो दोनों दुनियाओं का संतुलन बनाए रखता है। एडम बचपन से ही अनाथ होता है, इसलिए वह अनाथालय में रहता है। उसका एकमात्र सहारा उसकी परदादी होती है, जिसे वह हर हफ्ते उनसे मिलने जाता है। वह एडम के लिए उड़ने वाली पराठा रेसिपी बनाती है, जो इस पराठे को गुलाबी मधुमक्खियों के पराग का उपयोग करके बनाया जाता है। मधुमक्खियां दोनों दुनियाओं से पराग इकट्ठा करती है। यह नुस्खा पीढ़ियों से चला आ रहा है और एडम को पराग इकट्ठा करना उसे विरासत में मिला है। दादी से मिलने के बाद एडम चुपके से एक पहाड़ पर चढ़ जाता है जो ऊपर के बहुत करीब पहुंच जाता है। एडम बारिश की बूंदों से खेलता है और एक छोटा सा जहाज आकाश में उड़ाता है। जहाज उड़ते हुए दूसरी दुनिया के किनारे पहुंच जाता है, जहां वह जहाज को उड़ते हुए देखकर एडम की मुलाकात एक ईडन नाम की लड़की से होती है जो उसी के उम्र के होती है। पर ईडन दूसरी दुनिया से होती है और जल्द ही उन दोनों की मुलाकात एक प्यार में बदल जाता है। और हर दिन एडम ईडन की राह देखते हुए उसका इंतजार करने लगता है। उनके बीच अब गहरा रिश्ता बन जाता है। एक दिन ईडन पहाड़ पर मिलने के लिए ईडन की तरफ एक रस्सी फेंकता है और उसे अपनी दुनिया में खींच लेता है। दोनों आपस में खूब बातें करते हैं। ईडन उसे एक अनार खाने को देती है, हालांकि उसके पास दो अनार है, लेकिन एडम बेचारा और फिर वे दोनों टहलने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। अचानक से जंगल में एक हरकत होती है जो कुछ सिपाही अपने सैनिकों के साथ इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सिपाही को देखकर एडम ईडन को लेकर भागने लगता है। उधर सिपाही इन दोनों पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। एडम रस्सी के सहारे ईडन को उसकी दुनिया में छोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सिपाही के द्वारा ईडन को बांह में गोली लग जाती है और रस्सी छूटने के कारण उसके सर में बहुत चोट आ जाती है और खून भी बहने लगता है, जिस वजह से एडम को लगा कि ईडन अब मर चुकी है। एडम को ऐसा करने के लिए सिपाही उसे पकड़ लेती है और उसकी दादी को भी पकड़कर उसका घर भी जला दिया जाता है। 10 साल बाद एडम एक एंटी ग्रेविटी डेवलप कर रहा है, जो इस आविष्कार से एक साथ दोनों ग्रेविटी पर लोग रह सकते हैं। हालांकि उसे अभी इस आविष्कार में कामयाबी नहीं मिली है, वह फेल होने पर बार बार प्रयास करता है। काम करते हुए अचानक उसकी नजर टीवी पर जाता है और जब वह ईडन को टीवी पर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह जीवित है और ट्रांसवर्ल्ड कंपनी में काम कर रही है। अपने फॉर्मूला को पूरा करने और क्रीम डेवलप करने के लिए ट्रांसवर्ल्ड कंपनी में नौकरी के लिए एडम एक डील साइन करता है, जो एडम को अब उस कंपनी में जॉब मिल जाती है। और काम करने के दौरान एडम को ट्रांसवर्ल्ड कंपनी में एक कर्मचारी बॉब से दोस्ती भी हो जाती है। एडम बॉब को नीचे से सस्ता टिकट प्राप्त करने में मदद करता है और बॉब उसे ईडन से संपर्क करने में मदद करता है। बॉब एडम को एक जगह के बारे में बताता है जो वहां पर एक मेटल होती है। एडम उसे मेटल को अपने पूरे बॉडी में बांध लेता है और इस मेटल का जूता भी पहन लेता है ताकि ऊपर की दुनिया में अपना पांव जमा सके। और यह सब एडम ऐसा इसलिए करता है ताकि अपनी प्रेमिका ईडन से मिल सके। उस हादसे के कारण ईडन को भूलने की बीमारी हो जाती है, जिसे अब वह एडम को नहीं पहचानती है। एडम किसी भी तरह यहां से भागकर ट्रांसवर्ल्ड कंपनी में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात ईडन से होती है। ईडन को देखकर एडम बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ईडन उसे नहीं पहचान रही होती है। एडम अपने बारे में ईडन से कुछ बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वह एडम को अनजान शख्स समझकर उससे बातें करती है। एडम अपने साथ बिताए उस पल के बारे में बातें करता है ताकि ईडन का याददाश्त वापस आ सके। एडम उससे बातें ही कर रहा होता है कि अचानक उसके बॉडी में लगे मेटल जलने लगता है। एडम को वहां से वापस जाना पड़ता है। भागते हुए एडम को ट्रांसवर्ल्ड कंपनी के कर्मचारी उसे पहचान जाते हैं, लेकिन वह सभी से बचते हुए किसी भी तरह अपनी दुनिया में लौट आता है। एडम की इस गलती के लिए खामियाजा बॉब को
भुगतना पड़ता है। उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन बॉब अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपनी आईडी एडम को दे देता है ताकि एडम ट्रांसवर्ल्ड बिल्डिंग से बाहर निकल सके और अपनी दुनिया में जा सके। कुछ समय बाद ऑफिस से सभी के जाने के कुछ ही मिनटों बाद बॉब के फोन पर एक कॉल आता है, जो वह कॉल ईडन का होता है। एडम उस कॉल को उठाता है और ईडन को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। ईडन उसे मना नहीं करती और एडम डेट पाने में कामयाब हो जाता है। फिर कुछ समय बाद दोनों एक साथ ट्रांसवर्ल्ड कंपनी के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहां पर एडम फिर से ईडन को सब कुछ याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ईडन को कुछ भी याद नहीं आता। ईडन को लगता है कि एडम हमारी ही दुनिया से है, और अंत में दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहने वाले होते हैं, तभी एडम का जूता जलने लगता है। एडम बहुत घबरा जाता है और ईडन को वहां से जाते ही एडम दौड़ता हुआ खुद को जलने से बचने के लिए अपने कपड़े खोलते हुए नदी में कूद जाता है। अगले दिन आविष्कार किया हुआ क्रीम एडम एक बूढ़ी औरत पर आजमाता है, जो वहां पर ट्रांसवर्ल्ड कंपनी के सारे अधिकारी मौजूद होते हैं। एडम उस क्रीम को बूढ़ी औरत पर लगाता है, जिससे वह बूढ़ी औरत अब जवान दिखने लगती है। इस बीच ईडन यहां आती है और एडम को देखकर पहचान जाती है, जिससे ईडन को उसकी असलियत का पता चल जाता है कि वह हमारी दुनिया से नहीं है। तो इसलिए ईडन एडम से नाराज होकर वहां से चली जाती है। एडम उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है, लेकिन ईडन उसे नहीं मिलती। उधर एडम को नौकरी से निकाल दिया जाता है और भागते हुए बॉब के पास पहुंचता है। वह उसे दिखाता है कि कैसे दोनों ग्रेविटी के लिक्विड को मिलाकर एक हाइब्रिड चीज बनाया जा सकता है, जो दोनों दुनियाओं में रहने लायक हो। उधर ईडन को एडम के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और अगले दिन उसे ढूंढते हुए ईडन उस जगह पर पहुंचती है जहां एडम उससे मिला करता था। एडम वहां आता है और ईडन को गले लगाकर वहां से ईडन को अपने साथ रहने की बातें करता है, लेकिन पुलिस यहां भी आ जाती है और एडम को पकड़ने की कोशिश करती है। एडम वहां से भाग जाता है और उस पहाड़ की चोटी पर बैठकर जहां हमेशा ईडन से मिला करता था उसे आने का इंतजार करने लगता है, और ईडन उससे फिर से मिलने आती है। दोनों मिलने के बाद एडम उसे जंगल की तरफ घुमाने ले जाता है, जहां फिर से इन दोनों को पुलिस देख लेती है। पुलिस से दोनों भागते हुए एक अजीब सी सर्कल में पहुंच जाते हैं। पुलिस भी इन दोनों को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाती है और एडम अपनी प्रेमिका ईडन को बचाने के चक्कर में उसका हाथ छोड़ देता है। कुछ समय बाद पुलिस ईडन को गिरफ्तार कर लेती है और उधर एडम गिरफ्तार होने से बचने के लिए ट्रांसवर्ल्ड कंपनी को अपना फॉर्मूला दे देता है, जिससे उसकी सारी गलतियां माफ कर दी जाती है और अपनी प्रेमिका से मिलने का सारा संपर्क तोड़ देता है। कुछ दिनों बाद एडम अपने पुराने जीवन में लौट आता है और उसे अब विश्वास हो जाता है कि अपनी प्रेमिका ईडन से कभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन उधर ईडन मदद के लिए बॉब के पास जाती है। बॉब एडम को ढूंढता है और उसे अपनी प्रेमिका ईडन से मिलने को कहता है, जो ईडन ट्रांसवर्ल्ड की छत पर उसका इंतजार कर रही होती है। एडम वहां आता है और ईडन को गले लगाता है। फिर ईडन उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और इस तरह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।